जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैं आपका दोस्त विक्की दीमान, और फिर से हम लेके आए हैं वही गेयर बॉक्स जिसमें हमने काम पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। तो इस पे कम दिनों से काम चल रहा है, तो आप देखिए कि इसमें कैसे काम बना है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो हमारे भाई नए चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिले। और इसका ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है, तो इसका 5वां पार्ट आएगा। तो हम इस गियर बॉक्स को अच्छी तरह से आपको दोबारा से दिखाएंगे, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गया तो वो वीडियो अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और जो इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, प्लीज़ उसका जवाब दीजिए, और हमारे खास सब्सक्राइबर बने। तो आपका जो हमारा खास सब्सक्राइबर बनेगा उसका नाम मैं वीडियो में आगे ले मतलब बात बोलूँगा आपके सामने। तो हमारे इस भाई ने इस बात का सबसे पहले जवाब दिया है, तो जवाब शायद वही दे पाएंगे जो हमारी वीडियो को शुरू से देख रहे हैं। और मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत से लाइक करते शेयर करते हैं, सभी का धन्यवाद। और आगे वीडियो में क्या है क्या नहीं ये आप खुद देख लीजिए। तो ज़्यादा बातें हमें आती नहीं करनी, आपसे ही सीखा हूँ। तो सबसे पहले हमने ये कार्टर लगाना पड़ेगा इस पे, तो इसका कार्टर बना लेता हूँ मैं दोनों का, फिर आगे फिटिंग करते हैं इसका। तो ये कार्टर इसके हिसाब से हमने डाल ली, बना ली, जैसे कि हम इसको इसमें डालेंगे, यहाँ पे लॉक लग जाएगा, लॉक लगा देंगे। तो इसका फिटिंग करते हैं। ये हमारा 6905 बैरिंग है, यहाँ पे भी लॉक लगाएंगे हम। पच्चीस एमएम का हमारा सीट है, 22 एमएम का हमारा लॉक है। ये हमारा इधर लॉक लग गया।
ये हमारा लॉक है 22 mm का, तो ये यहाँ से डालना पड़ेगा हमें। देखिए तो ये लॉक इसमें अभी भी डला नहीं है, तो इसको डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर एक पाइप का सहारा लेना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा लॉक को डाल देगा। जैसे कि हमने देखा है कि लॉक डल गया, तो इसको ये जरा डालते वक्त खुला भी हो जाएगा, तो लोग इसको सेटिंग कर लेना। ओके, तो हमारा अभी तो ये सिंगल बैरिंग पे है, तो इसीलिए ये सही घूम रहा है, इसीलिए दूसरे वाला बैरिंग डाला। वो हमारा 6905 बैरिंग जो हमने पहले डाला, तो ये हमारा 6004 है। तो इसको बैरिंग को इसके हिसाब से यहाँ तक बराबर करना है, तो ये इसको ऐसे नीचे रख के यहाँ पे भी हमारा लॉक लगेगा 18 mm का, 4 नंबर बैरिंग पे 18 नंबर का लॉक लगेगा। जो हमारा 25 का सीट था उस पे हमारा लगे था लॉक 22 mm का, 25 की सीट पे 22 mm का। हमारा सही रनिंग कर रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा। अभी इसके जो हम इधर सील लगा देंगे, तो ये आगे पीछे भी होना बंद हो जाएगा। तो हमारा अब दूसरे वाला शाफ्ट डलेगा इसमें, जो छोटे वाला है, तो हमें ये हमारा इस तरफ है, तो ये ऐसे डलेगा, ये वाला है जो, इसके हिसाब से ये इस तरफ करना पड़ेगा, तभी ये सीधा होएगा। मैं बैरिंग लगा लेते हैं, इसमें 6000 आएगा बैरिंग दोनों में, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 6004। ये इस साइड ठोकना है पहले बैरिंग, इस साइड डाल दिया तो गरारी नहीं आएगी।
एकदम सही है। इस पे लॉक लगा लेते हैं 18 mm का। ये लॉक इसीलिए लगाते हैं जैसे कि हम चोट लगाएंगे तो आगे पीछे करना पड़ेगा हमें इसे, तो इसीलिए हम लॉक लगाते हैं। जहाँ पे सीट को अटकना है वहाँ पे अटक जाएगा लॉक के अंदर। हमारा लॉक लगाने का यही फायदा है इसे। तो ये इस साइड से डलेगा तो गरारी पहले, तो इसमें भी लॉक लगाना पड़ेगा 22 mm का कटर लगा। तो जो हमारा कटर का जो खांचा है इधर आ गया, और इसको गरारी वाले को भी हमें इसके सामने ही करना पड़ेगा तभी इसमें आ पाएगा। ये काटर लग गया हमारा, तो इसको आगे कर देते। ये आगे होने के बाद इससे निकलेगा नहीं, तो इसमें हम लॉक लगा देते हैं पीछे, तो गरारी पीछे नहीं निकलेगा ये, क्योंकि जो भी सामान होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके आधार पे बहुत सोच समझ के ही काम करना पड़ता है जी। अभी मुझको तो इसमें अंधेरा दिखता है, आपको पता नहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या नहीं। तो मैं एक बार लॉक लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा इसको क्या होगा। तो हमारा ये डल चुके हैं, बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत मलाई की तरह चल रहा है। ये वाला बैरिंग डालना हमने पीछे वाला, ये हमारा 6004 है ये भी। हर काम प्रेस से भी नहीं होता भाई, हथौड़ा भी लगाना पड़ता है, कैसे रख के लगाना है वो हमें देखना है। लॉक लगेगा
तो अब ये है, इसमें फिर हमारा 6905 आप चाहो तो यहाँ से भी इसको चला सकते हो, तो हमें तो ये ऐसे चलाना है तो इसके हिसाब से बनाए हैं, ये ऐसे चलाएंगे तो उसको पलट के भी चला सकते हो। तो हमने इसमें गरारी में जो गैप आएगा वो हमने इसमें देखना है कितना आएगा। इसमें एक गैप आएगा और एक इसके अंदर शिफ्टर लगेगा, शिफ्टर जो इसको गियर चेंज करेगा। तो हमारा इसमें एक ये प्रॉब्लम आया है जो थोड़ा और इसको खांचे को बढ़ाना पड़ेगा, इस गरारी आगे नहीं जा रहा, तो फिर ये सही हमारा है, इसको ही जरा करना पड़ेगा। तो जो इसमें गैप बना है ना, तो ये बनेगा हमारा 27 mm का गैप है ये। इसका शिफ्टर बनाएगी हम, इसका शिफ्टर जो इसमें लगेगा गियर बॉक्स में, तो मैं बना लेता हूँ इसको। ये हमने बना लिया इसका बस, और ये गरारी के बीच में लगेगा, तो ये इसके हिसाब से ही बनाया है जो इसको इधर होता है। ये हमने बना लिया है और ये इसके अंदर करके सीधा ही लगाना पड़ेगा हमें, तो इसको वेल्डिंग कर देता हूँ। ये हमने लेथ मशीन पे वेल्डिंग कर लिया, इसको सीधा है। तो अब इसमें है एक तो इधर भी लगाना है, भी इधर भी लगेगा, इधर भी चारों भी लगेंगे, तो इसमें आपका ये सफाई हो जाएगा सारा का, फेस उतार देंगे हल्का हल्का सभी का। तो
मैंने ये सब गरारी दोबारा एक बार निकाल ली है। निकालने के बाद ये देखो, ये ऐसा बनाना है। लो ये जो वी लगा है ना, ये वी लगेगा इसमें, तो इसीलिए एक बार ये निकाला है, तो दोबारा से फिटिंग करूँगा इसका। तो ये मैंने इसको वी लगा लिया है क्योंकि ये ज़रूरी लगाना होता है, तभी ये गरारी इसमें जल्दी आसानी से फंस जाएगा और आवाज़ भी नहीं करेगा। जब गियर इसमें लगेगा तो कोई फंसेगा भी नहीं, तो आराम से गरारी गियर लग जाएगा। तो मैं एक बार इसको वहीं फिटिंग कर लेता हूँ उतना ही, जहाँ हमने काम इसका रोका था, चालू करना था। तो ये इस पर मैंने मार्क कर लिया है, देखिए स्लेट बत्ती इस पर लगा हुआ है, जिस तरह मैंने इस गरारी के ऊपर भी निशान लगाया हुआ है, तो ये इसमें ही लगाना पड़ेगा, तभी इसका सेटिंग बैठ जाएगा। तो इसमें फिटिंग करके दिखाते हैं हम आपको, ये जो निशान है वो इस तरफ लाएगा, और ये शापट ये इस तरफ से। तो मैं एक बार इसको फिटिंग करके देख कर लेता हूँ, फिर आप देखना। इसमें ये डालने से पहले, जैसे कि ये इसमें डाला मैंने, तो इसके अंदर एक बैरिंग की कोन आएगी इस साइड में, पीछे वाली साइड में टक्कर लगने के लिए, ताकि हमारी गिरारी फंसेंगी नहीं। तो अगर ये जाके आगे इसमें बीच में लग जाएगी तो गियर बॉक्स जाम हो जाएगा। तीनों ग्राम गरारी जब फंस जाती है तो ये घूमेगा नहीं, और बीच में एक चौथा गरारी और होना चाहिए, तभी घूम पाएगा। अब इसका मेन काम देखिए ये है, अभी मैं ये किस साइड में चला रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज, आप इसको बोल सकते हो एंटी क्लॉक वाइज, मतलब उल्टी दिशा में सुई को घुमाना, या आवाज़ बंद कह सकते हैं। तो अभी इसमें देख, ये इधर बैरिंग की कोन मैंने दी है जो आपको दिखाई थी, तो ये टक्कर लग जाती है इसमें, तो ये गरारी इधर उधर नहीं जाएगी। अब ये इधर इसकी टक्कर लग जाती है जो हमने छोड़ी हुई है इसके अंदर। तो देखिए एंटी क्लॉक वाइज, तो ये उल्टा घूम रहा है, तो वो भी उल्टा घूम रहा है। ये इस तरह से काम करेगा। अभी हमने इसमें लगाना है शिफ्टर जो इसको शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो उस पर भी ज़रा ध्यान देना कि वो कैसे लगाया है। बाकी ये हमारा लोक लगा दिया है, ये हमारा 1905 है जो पहले दिखाया था, जो हमारा 6302 है, ये वाला बैरिंग है जो सबसे कम बोर का बैरिंग, ये 6004 है, ये 1905 है। ये इसमें ऊपर 1905, जो नीचे होगी इसमें दोनों में 6004, ठीक है। तो इसको हम, अगर हमें पलटना पड़े तो ये इस साइड में हम लगा भी सकते हैं, वैसे हमें ये इसी तरह बनाना था तो हम इसको इसी तरह बनाया है। बाकी ये भारी काफ़ी हो गया है भाई, सब उठ नहीं रहा है, 10 किलो से ऊपर चला गया है अभी ये, अभी मेरा आइडिया है इसको 10 किलो से ऊपर चला गया है। इसका टक्कर तो ये इस पे लग जाता है, तो ये इस गरारी को टच नहीं करता, तो ये उसके साथ प्लस हो जाता है जो परले वाली है। तब हम इसको इधर करते हैं, तब ये इससे बचाने के लिए यहाँ पे टक्कर लगाना जरूरी है, तो ये गरारी किसी में फंसती नहीं है, तो ये आसानी से घूम जाती है। आप देखो अभी ये बिना तेल का है तो कितनी आवाज़ कर रहा है, जब इसमें तेल डल जाएगा तो ये आवाज़ और भी कम हो जाएगी।
जितना तेज हो सका उतना तेज घुमा रहा हूँ। ये इधर कर लो या इधर कर लो, सेम आवाज है इसका। तो अब हमने इस गियर बॉक्स को बंद करना है और इसके अंदर एक शिफ्टर लगाना है। तो मैंने इसके ऊपर का ये प्लेट काट लिया है और साइड के भी दो प्लेट काट लिए। एक प्लेट हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक प्लेट हमारा यहाँ लग जाएगा जो इसको बंद कर देगा और एक प्लेट हमारा इधर लगेगा दूसरी साइड, जो हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे प्लेट को। तो ये बंद हो जाएगा, इसमें सिर्फ सील वाला ही रह जाएगा। तो अभी लेथ मशीन का काम है, इसको मैं फेस कर लेता हूँ। तीनों प्लेटों को फेस करने के बाद फिर इसको लगाएंगे हम इसमें। तो ये ऊपर का शिफ्टर बनाना है, तो पहले पट्टी का बनेगा यू, ये हमारा क्लब होगा। और जो इसमें खर्चे में लगेगा, इसके अंदर हम ये जो चैन में से निकलती है कड़ी का, ये ले लिए हैं, इसमें से निकाला है चैन से। तो ये सारा सामान इसी में लगने वाला है। तो एक पत्ती बनेगी, लगेगी थी काफ़ी मोटी पत्ती है 300 का। पहले ये वेल्डिंग करूँगा, फिर इसको काट देंगे हम यहाँ से। ये कुछ इस तरह से बनेगा और जब ये बन जाए तो इसमें ध्यान से लगाना पड़ेगा, इस तरह से लगेगा ये। तो ये मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है, ये इधर सेंटर आएगा और ये इधर सेंटर आएगा जो ऊपर से किली लगी है। ये इसमें सुराख करना पड़ेगा, हमने 6 सूत का सुराख करेंगे इसके अंदर। तो ये इसके हमने लॉक बना लिए हैं, ये सब लेथ मशीन का काम था। और अभी लगाना है हमने जो ये अंदर शिफ्टर है, इसको लगाएंगे हम। ये ढक्कन के लिए है, इसमें लगेगा ढक्कन में। ये लगेगा इसके अंदर इधर 10 mm का चौड़ा। ये हमारा तैयार हो गया शिफ्टर, इसमें ऊपर कट लगा के और ये चकोर बना दिया। ये स्लिप नहीं होगा गियर लगाने पर। और अब इसके ऊपर का जो ये बनेगा लॉक सिस्टम, तो ये इससे बनेगा पत्ती से। तो ये पत्ती है, इसमें से बनेगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा लॉक जो इसके हिसाब से बनाए बीच में लगेगा, इसमें ये वाला आएगा हमारा इधर। यह हमारा कोई
प्रोजेक्ट होगा जो पत्ती से लीवर लगाएंगे कोई भी तो उसमें लग जाएगा। इसमें सुराख को गर्म करके, गर्म करने के बाद ये इसमें से चकोर बिट निकालेंगे। बन चुका है तकरीबन, तो ये कुछ हिस्से लगेगा इसमें और इसके बाद ये प्लेट है जो हमने बना रखी है, ये इसमें लगेगा। तो ये इसमें लगने के बाद तो हमने बताया था कि चकोर करना है, तो ये गर्म करके हमने इसमें चकोर कर लिया। तो ये इसमें से सीधा लगाना पड़ेगा ताकि गियर शिफ्ट हो सके इसे घूमने में। अभी ये लगाने हैं तो हिल रहा है, तो मैं इसको निशान लगाता हूँ, देखना अभी ये कैसा बनेगा। तो एक बार और दोबारा से फिटिंग करते हैं हम इसको। तो ये फिट हो गया, ये फिट करने के बाद फिर ये पत्ती है हमारा, तो ये यहाँ पे लगेगा, इसमें लग जाएगा। तो मैं एक बार इसको लगाता हूँ और इसको भी मैं एक बार टाका लगाना पड़ेगा ताकि ये हिलेगा ना प्लेट, और हमें यहाँ पे सुराख भी करने हैं जो बोल्ट लगेंगे हमारे चार उसके लिए भी, और इस पे जो काम है हमारा वो पूरा पेंडिंग है जो निकला हुआ वो सभी अब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मैंने ये भी लगा दिया है डॉट, और अब इसको जो यहाँ पे हमें लॉक करना पड़ेगा, ये एकदम ओके से चल रहा है बढ़िया, ये घुमाना पड़ेगा तो आगे जाएगा, ये चलते वक्त काम करते हैं ना थोड़ा सा। तो ये इसका लॉक पिन है, तो इसमें डल के अपना लॉक हो जाएगा। तो पहले मैं इसमें हल्का निशान लगा लेता हूँ, तो फिर इसमें ये सुराख करके अपना, और दो इसका प्लेट है वो भी वेल्डिंग कर लेता हूँ साइड, वो भी देखना आप कैसे लगेगा। तो इसमें मैंने ये होल के निशान लगा लिए हैं, तो मैं एक बार आपको ये खोल के दिखा देता हूँ ये कैसे लगे हुए हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने देखो तीन निशान लगाए हैं, लेकिन ये ज़्यादा गहरे नहीं हैं, ये बस ऐसे हैं भी ये लॉक अटक जाए इधर, भाई ये निकलेगा नहीं इससे। तो ये अपना कोई भी समझ लीजिए फॉरवर्ड, वो वाला जो पीछे वाला है रिवर्स, मतलब ये पीछे चलने के लिए या आगे चलने के लिए, जो ये बीच में है ये इस गाड़ी को जाम कर देगा, ये इस गाड़ी को जाम कर देगा, ये कहीं पे भी ढलान पे खड़ा हो गाड़ी तो वहाँ पे इस बीच में लॉक को करके तो रोक सकते हैं। तो मैं ये भी दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा, मूव करना देखना ठीक है। तो ये मैंने फिट कर लिया है दोबारा से, तो सबसे पहले हमारा आएगा जो ये लॉक पिन है, तो ये लॉक पिन इसमें डालना पड़ेगा, ये लॉक पिन डालने के बाद ये नीचे आ जाएगा, ये इसमें शायद कोई कचरा है नहीं तो ये नीचे आ जाता, देखिए ये अब नीचे आ गया है, ये अपना इसमें देखो प्रॉपर से फिट आ रहा है ना। और हमारे एक ये स्प्रिंग है, आपको पता ही ये किस चीज़ का काटते हैं, ये जो हमारा ब्रेक राड होता है ना, ब्रेक में से निकाला हुआ है स्प्रिंग, और ये एक बोल्ट में वैसे अभी लगा के दिखा रहा हूँ, बाद में इसको मैं कटिंग कर लूँगा। तो ये मैंने लगाया नट लगाने के बाद, इसको भी यहाँ पे लॉक करना होता है, तो हम इसको यहाँ से काट के और एक पेचकस से जो लग जाए तो एक बीच में कट लगा देंगे,
और आप ये देखिए कि काम सही कर रहा है कि नहीं। लेकिन तो दिखाने में जरा दिक्कत आ रहा है क्योंकि ये बहुत जगह कम है ना इसमें। ये अपना बीच में लॉक हो गया, ये बीच में लॉक कर हो जाएगा तो ये जाम हो जाएगा, ये घूमेगा नहीं गाड़ी आगे नहीं जाएगा। और ये इधर कर देंगे तो आप देखो मैं उस साइड उल्टी साइड घुमा रहा हूँ तो ये उधर से मेरी तरफ चल रहा है। तो गियर लगाने को सबसे बढ़िया तरीका यही है, जब एक दो गरारी में आएगा, जब ये इसके साथ घूमने लगेगा ना इसके चक्कर में तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसमें ये जब ये उल्टा चलता है तो तीसरी गरारी पे लोड पड़ता है, तो वो तीसरी तो कभी यूज करना पड़ता है, तो तीसरी में हमेशा बैक गियर लगाना चाहिए। और जब हम परमानेंट गाड़ी आगे की तरफ चला रहे हैं तो उसमें या आपस में ऐसे ही चलना चाहिए। तो ऐसे ये उल्टा हो गया अभी। बाकी ये जो गियर है हम इसको जितने इधर राउंड देंगे उतना ही उधर निकालेगा, ये चाहे इधर चले। तो ये 4x4 गियर होता है, जो चार चक्कर इधर दोगे तो चार उधर से निकालेगा, तो ये 4x4 गियर है। तो ये सिर्फ रिवर्स गियर में ही काम आते हैं, बाकी जो गियर आपके बाइक के अंदर रहते हैं वो उसके अंदर वही से ही काम करेंगे जो आम बाइक में ही काम करते हैं। तो इसको आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो। तो ये प्लेटें कुछ इस तरह से लगेगा, तो हमारा जो आगे का पार्ट आएगा तो उसमें हम इसको बोल्ट लगा के पूरा फिनिशिंग जितना होगा इसका तो कंप्लीट करके एक बार वो आपको इसका अच्छी तरह जितना सामान बना है वो आपको दिखाएंगे। और अगर आपने वीडियो देखा है शुरू से और आखिर तक अभी तक, तो आप ये बताएं कि इसमें दो सील का साइज रह गया है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दो बैरिंगों में सेम सील आएगा सेम नंबर का, तो ये आपको बताना है इसमें कौन से नंबर का सील आएगा। बैरिंग का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आएगा 6905 नंबर बैरिंग, 6905, ठीक है। और अगर आपने पूरी वीडियो शुरू से देखा हुआ है इस गियरबॉक्स का तो क्वेश्चन उसके अंदर ही है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा सील आएगा। तो हमारा एक अगला इसका पार्ट आएगा जो इसको फिनिशिंग करके दिखाएंगे हम। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आज यहीं तक का था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिटिंग करके आपको भेजेंगे, जो इसमें नट बोल्ट वगैरह पूरा फिटिंग है, ये पूरा फोल्डिंग सिस्टम है इसका, सिर्फ ये बॉक्स है जो डब्बे की तरह बना हुआ है, बाकी इसका हर एक पुर्जा निकल जाता है खोलने से, कोई भी फिक्स नहीं है, अलग अलग हो जाएगा हर एक सामान इसका। ये नहीं होगा क्योंकि इस पत्ती के साथ अटैच हो चुका है, ये निकल जाएंगे, ये सब निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारा साथ दीजिएगा, उससे आगे आएगा जो गाड़ी का बनाने का, वो हम इसको लगाने का भी तरीका आपको दिखाएंगे कि हमने ये कैसे लगाया है। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पाँचवें पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैं आपका दोस्त विक्की धीमान।